शिवपुरी में एक युवक ने लिव इन पार्टनर की जान ले ली। उसके दोस्त ने भी उसका साथ दिया। महिला शनिवार सुबह खेत जाने का कहकर घर से निकली थी। शाम को वह परिजनों को घायल मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के 4 बच्चे हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। 32 साल की महिला के पति की 5 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। महिला की 18 साल की बड़ी बेटी पहले अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी। साल भर पहले वह अपनी माँ के पास आ गई। महिला 5 बीघा खेती और 1 स्वसहायता समूह के जरिए अपने बच्चों को पाल रही थी। पति की मौत के बाद महिला की उमरी कला निवासी शिव कुमार लोधी से नजदीकियां बढ़ गई। शिव कुमार साल भर से पिछोर रह रहे थे। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। महिला 1 साल तक शिव कुमार के साथ लिव इन में रही, फिर उसने शिव कुमार के साथ रहने से मना कर दिया, लेकिन शिव कुमार उस पर लिव इन में रहने का दबाव बनाता रहा। इस वजह से दोनों में विवाद होने लगा था। महिला की बेटी ने बताया कि शिव कुमार उसे भी जबरदस्ती अपने साथ पिछोड़ ले जाने की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि अगर उसकी माँ पिछोड़ चलने को तैयार नहीं होती तो उसे साथ चलना पड़ेगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे पैर पर पत्थर पटक कर दोनों भाग गए। महिला की बेटी ने बताया कि माँ शनिवार सुबह 11 बजे खेत जाने का बोलकर निकली थी। शाम तक वह घर नहीं लौटी। हम उन्हें ढूंढने निकले तो कुछ लोगों ने बताया कि पाटीघाट पर एक महिला की हत्या करने का प्रयास हुआ है। जब हम मौके पर पहुंचे तो माँ घायल पड़ी थी। वहां मौजूद लोगों की मदद से हम उन्हें मनपुरा अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने माँ को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान माँ ने दम तोड़ दिया। मैं अकेली थी घर में। तीसरी बात फिर शिव कुमार आया तो उसने मेरे साथ हाथापाई की, बोलते अगर मम्मी नहीं जा रही है तू चल, बोलते मेरे साथ तू रहना वहीं पे, मम्मी को नहीं जाने दे रही है। तो फिर यहाँ पे वो मेरे साथ हाथापाई करके मेरे पैर में पत्थर पटक के चला गया और फिर मम्मी का उधर जाके मर्डर कर दिया।